नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन डायरेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है इसको लेकर के आया हूँ। हमने इसको एक बुक से लिया है, करेंट अफेयर्स बुक से, और इसको जो है कि याद करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है कि एक दो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब आप वीडियो में देख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि रिमेम्बर करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इमेजेज बना करके। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए, पहला है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को, हाँ, और 10 फरवरी को हिंदी दिवस के अलावा विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, केवल ये भारत में मनाया जाता है, भारत का थल सेना दिवस है 15 जनवरी को, 16 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग दिवस है, और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और ये जो है कि हिमाचल दिवस भी उसी दिन को मनाया जाता है, 26 जनवरी को भारत ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 27 जनवरी को विध्वंस होलोकॉस्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और शहीद दिवस भी है, कुष्ठ निवारण दिवस भी है वहाँ उस दिन, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ है, 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है, और विश्व कैंसर दिवस भी है। ठीक है, 4 फरवरी को श्रीलंका दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, 7 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस है, 10 फरवरी को नेशनल डिवर्बिंग डे है, और 11 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस है। आगे है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, और 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस भी 20 फरवरी को ही मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। आगे है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, और 6 मार्च को विश्व दंत चिकित्सक दिवस है। ठीक है, चलिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और 10 मार्च को जो है कि आपको विश्व गुर्दा दिवस है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, और विश्व विकलांगता दिवस भी है, 8 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस है, जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी बोलते हैं, इसको हम
18 मार्च को जो है कि आयुध निर्माणी दिवस, जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के भी रूप में जानते हैं। आगे है 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में भी मनाते हैं और सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है और बिहार दिवस भी है, उसी दिन है। आगे है 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी उसी दिन है। 23 मार्च को हम दो दिवस मनाते हैं, एक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस है और दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को है विश्व क्षय रोग दिवस, असम राइफल की स्थापना उसी दिन हुआ था, उसका भी वर्षगांठ हम मनाते हैं 24 मार्च को। और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है और राष्ट्रीय दिवस भी है 26 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है। आगे है 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस है, 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस है और 2 अप्रैल को विश्व ऑडिटिज्म स्वलिनता जागरूकता दिवस है और 3 अप्रैल को हिंदी दिवस, हिंदी रंगमंच दिवस है और 4 अप्रैल को खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस और समता दिवस, ये दो दिवस है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र दिवस भी मनाया जाता है। 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है और उसी दिन अंबेडकर जयंती भी है। ठीक है, अंबेडकर जयंती और अग्निशमन सेवा दिवस भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को महिला बचत दिवस, हिमाचल दिवस मनाया जाता है, दो दिवस जो है कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है, महिला बचत दिवस और हिमाचल दिवस। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और आज़ाद हिंद फौज दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगला पार्ट जब आएगा इसका, तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मैं इसका दूसरा और तीसरा पार्ट ज़रूर लेकर के आऊँगा और सारे जितने भी दिवस है, सारे दिवस का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा बारी बारी से। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसका लाभ उठाइए, जो आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए, आज के लिए अलविदा। सो थैंक यू।